बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। बच्चों के बीच हुए झगड़े में महिला के साथ गाली गलौज करने की घटना भंडारा में सामने आई है। इस घटना को लेकर महिला की शिकायत पर भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज किया। सामान खरीदने गए व्यक्ति की दोपहिया वाहन चोरी होने की घटना कोंडी में घटित हुई। सुभाष वार्ड कोंडी निवासी विनेश नायर उम्र 42 वर्ष की शिकायत पर जवाहर नगर पुलिस ने मामला दर्ज किया। बाहर गांव गए बुजुर्ग महिला के घर में मौका पाकर अज्ञात चोरों ने घुसकर 43,000 नगद चुराने का मामला सामने आया है। इसे लेकर मुरमाड़ी निवासी प्रमिला उबीर उम्र 76 वर्ष की शिकायत पर लाखनी पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया। एक 28 वर्षीय युवक ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना भंडारा थाना क्षेत्र की है। मृतक का नाम नागेश सारवे उम्र 28 वर्ष है। शिकायतकर्ता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। बेकाबू वाहन ने पैदल चल रहे वृद्ध को टक्कर मारकर घायल कर दिया। दुर्घटना लाखनी थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 53 पर हुई। इसे लेकर लाखनी पुलिस ने बाइक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुराने विवाद को लेकर दो परिवारों के गुटों ने एक दूसरे पर लाठियों से प्रहार कर एक दूसरे की हत्या करने का प्रयास किया। मामला 28 जुलाई को सामने आया है। शिकायत के आधार पर देवरी पुलिस ने दोनों गुटों के खिलाफ मामला दर्ज किया। लाखांदूर के अस्पताल से इलाज कर घर लौट रहे युवक की दोपहिया फिसलने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का नाम अमोल बोरकर उम्र 24 वर्ष है। घटना की जानकारी लाखांदूर पुलिस को मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा किया और मामला दर्ज किया। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।